Good morning everyone. Welcome to SR Senior Secondary School online classes. In previous lectures, we were talking about electric potential due to a conducting and non-conducting spiral cell. हमें जो previous lecture था उसमें अपन ने electric potential की value calculate की थी एक spherical cell जो कि आपके पास conducting था और non-conducting था. उसमें अपन ने जो value find out की थी वो three surfaces पे की थी outside, inside and at a surface. तो आज हमारा next topic है वो है electric potential. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपके पास कितनी होती है, सिस्टम ऑफ चार्जेस होती है, ना कि एक चार्जेस की होती है. एक चार्ज की जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टूडेंट्स अपने पास में कितनी होती है, जीरो. क्योंकि जो हम सिंगल चार्ज को लेके आएंगे तो उसके अंदर हमें लाने में किसी तरह का वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. हाँ, जब हम उसको जहाँ जैसे यहाँ पे मैं क्यूवन चार्ज को लेके आए तो क्यूवन चार्ज को यहाँ नहीं है, तो ये फर्स्ट चार्ज है. इसके जो वर्क डन होगा वो थोड़ा सा ही क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ करते ही आ जाएगा. तो यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो वर्क डन है, वर्क डन क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि जो रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट जो मैं काम करती हूँ वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ देखो आप क्यूवन चार्ज और क्यूटू चार्ज दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है. फिर देखो ड्यू टू चार्ज क्यूवन एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी. अब जैसे मैंने सेकेंड चार्ज लेके आई क्यूटू, मैंने इसको आर डिस्टेंस को सेपरेट किया, तो मेरे को इसको यहाँ पे लाने में इस क्यूवन के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. वर्क डन में हमारे पास में बस इतना ध्यान रखना है काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं होगी, आपकी चेंज नहीं होगी. आपको पता है इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा स्टूडेंट, के क्यू मतलब क्या होगा, आर स्क्वायर. तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, के क्यू मतलब आर, क्योंकि अगर इसकी डिस्टेंस आर है तो यहाँ से यहाँ तक बीच में पोटेंशियल कितना होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन बाई आर. वर्क डन के लिए क्यू टू चार्ज को अपन लाने में इंफिनिटी से यहाँ तक कितना वर्क डन करेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है. क्यू टू चार्ज को लाने में और इस पॉइंट का पोटेंशियल आपके पास में कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वर्क डन. Q2 की वैल्यू आप Q2 पुट करोगे, V की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है कि इस चार्ज की वजह से यहाँ का जो पोटेंशियल बन रहा है वो कितना बन रहा है. तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो अपन निकाल चुके हैं Q1 चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कितना होता है, 1 upon 4 by epsilon Q1 Q2 divided by r. तो आप यहाँ से लिख सकते हो इसके जो ये वर्क डन है ये आपके पास कितना आएगा, 1 upon 4 by epsilon Q1 Q2 by r. तो इसी तरह से आप क्या कर सकते, एनर्जी है वो क्या होगी स्टूडेंट, इंक्रीज होगी. अगर आपके पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दैट मींस अट्रैक्शन फोर्स. अगर अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वो खुद ही उसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तब आपके जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. इसको हिंदी में स्टूडेंट बोलते हैं निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेश की निकाय की स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं. यहाँ से इसको बोलते हैं आवेश की निकाय की स्थितिज ऊर्जा. देखो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा एक तरह से किया गया कार्य होता है जो हम किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के जो प्रतिकर्षण बल लगता है उसके विरुद्ध जो अपन काम करते हैं वो काम इसके अंदर किसके फॉर्म में स्टोर होता है, वो इसके अंदर किसके फॉर्म में स्टोर होता है, आपका स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में क्या होता है, इसके अंदर स्टोर होता है. यहाँ पे सिस्टम इसलिए लिखा है कि कभी भी एक सिंगल आवेश की क्या नहीं होती है, स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है. एक सिंगल आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा होती है स्टूडेंट्स वो कितनी होती है, शून्य होती है. सपोज करो आपके पास यहाँ क्यूवन है, आप क्यूवन को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, तब यहाँ पे आपके पास पहले फर्स्ट चार्ज है, तब इसको कोई रिपल करने वाला नहीं है, तब आपको जो लाने में जो वर्क डन होगा इसको थोड़ा सा पुश करते, जब इसको कोई रिपल करने वाला नहीं है, कोई अट्रैक्ट करने वाला नहीं, तो इसके पास में इसकी जो किया गया जो वर्क डन है वो कितना होगा, यहाँ पे जीरो. और अगर वर्क डन जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा भी कितनी है, शून्य है. स्थितिज ऊर्जा एक तरह से किया गया क्या होती है, कार्य होती है. अब यहाँ
स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास दोनों आवेश आपके पॉजिटिव है और इसके अंदर कोई भी फिनोमिना हुआ है दूर में पास में दूर में दैट मींस तो आपको पता है कि क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण रिपल्शन हो रहा है। अगर ये दोनों पास आ रहे हैं दैट मींस क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो भी फिनोमिना अट्रैक्शन रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से आपको पता है कि आपको वर्क क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, तब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और स्थिति ऊर्जा क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर आपको अट्रैक्शन तब उसको खुद ही अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तब आपके पास स्थिति ऊर्जा क्या होगी स्टूडेंट्स, कम होगी। करता
करता, Q3 भी करता, तो तीनों के अगेंस्ट अपन को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करके ऐड करके क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे पुट करनी पड़ती है। यहाँ पे देखो इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम और मोड, मतलब दो आवेशों से ज्यादा आवेशों के कारण निकाय की क्या कर सकते बोल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं। इधर देखो स्टूडेंट, ये है ह्यूमन आवेश, ये है Q2 आवेश और ये है आपका Q3 आवेश। स्टूडेंट्स Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, R12 है। Q2 और Q3 के बीच की दूरी कितनी मानी है, R23 मानी है। और Q1 और Q3 के बीच की दूरी कितनी मानी है, R13 मानी है। अब आपको पता है आवेश Q1 को जब लेके आएंगे तो यहाँ पे अनुत्तर कोई आवेश नहीं है, तब जो आपके द्वारा किया गया कार्य है वो कितना होगा, यहाँ पे शून्य होगा। लेकिन जब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बंद करने के लिए चार्ज होते हैं, आपको लिखना है कि आवेश Q2 को लाने के जो कार्य है वो R1 दूरी में है, जब Q2 को लेके आएंगे तब इससे इतनी दूरी पे जो विभव का मान होगा वो कितना होगा और किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ जब आप इसको लेके आओगे तो विभव का मान तो होगा जो इसकी दूरी है वो, और इनटू क्या हो जाएगा, Q2 आवेश, क्योंकि W बराबर फॉर्मूला होता है dQ। तो आप Q2 को कितना लेके आए, प्लस यहाँ से यहाँ पे आपका विभव कितना है, तो यहाँ से यहाँ पे आपका विभव है 1/4πε₀Q1/R2, ये तो हो जाएगा विभव बिंदु Q1 पर और गुणा आपके पास कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो जो W2 है वो कितना आ जाएगा आपके पास, इसको गुणा करके लिख दो, अपन ने अभी निकाला था जस्ट पीछे, तो 1/4πε₀Q1/Q2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास में, R12 हो जाएगा। इसी तरीके से अपन निकाल सकते हैं W3 निकालेंगे तो Q1 की वजह से भी और Q2 की वजह से भी, तो Q1 भी अब इसको रिपल करेगा और ये भी इसको रिपल करेगा, तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है और इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, इससे यहाँ का विभव कितना है और इससे यहाँ का विभव कितना है, कितना होता है KQ/R, तो KQ है आपके पास R है, यहाँ से K है, Q है, R है, तो 1/4πε₀ Q कितना है, Q1 R कितनी है, 3/1 है यहाँ से, और यहाँ से कितनी है आपके पास, कर रहे हैं तो यहाँ से 2/3 हो जाएगी, यहाँ से इसको 1/3 लिख दो या 3/1 लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ से मैंने लिखा है इसको 1/3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इससे, और अगर आपको टोटल निकाय की स्थितिज ऊर्जा चाहिए तो तीनों को क्या कर दो आप, ऐड कर दो, तो आपका U1 U2 और कितना हो जाएगा U3। U1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 0 आई थी, क्योंकि पहले का वर्क डन आपको कितना करना पड़ेगा, 0। सेकंड पे आपके पास कितनी आई है, 2/3 3/R13, और इसी तरह थर्ड पे कितनी आई है, 2/3 R23। ये तीन आवेशों की वजह से है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, आप चार की वजह से निकालोगे तो ये 1 2 3 तीनों मिलकर उस चौथे को क्या करेंगे, वहां पे रिपल करेंगे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो।